Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my YouTube family, my family members and my viewers jo dekh rahe hain mujhe. Umeed hai sab khairiyat se honge aur Allah pak aapko hamesha apne hifz o aman mein rakhe. Aaj hum banane ja rahe hain mutton rosh aur isko dum pukht bhi kehte hain. To uske liye maine liya hai aadha kilo gosht hai. Bade pieces maine karwa liye hain, charbi nahi hai iske sath itni. क्योंकि यहाँ पे इतनी चर्बी वगैरह दुम्बे की नहीं मिलती, तो उसके लिए मैं ऑयल यूज़ करूँगी. और एक मुझे आलू चाहिए, इस तरह मैंने बड़े सा काट लिया है. और लहसुन चाहिए हमें, लेमन चाहिए, तीन चार सब्ज़ मिर्चें चाहिए, एक टमाटर चाहिए और एक प्याज चाहिए, काली मिर्च चाहिए और ये है सिरका. ये आपने आधी प्याली लेनी है क्योंकि मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, तो उसके लिए आधी प्याली ही जाएगी दम पुख्त के लिए इसको. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हम लोग. चलें जी हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हम लोग रखेंगे गोश्त. माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा है, बट इसमें ना चर्बी इतनी नहीं है, नॉर्मल ही है. तो इसके लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे. इसमें आप पानी डालोगे. पानी में डाल रही हूँ इसमें एक ग्लास, ठीक है. ये हल्की आंच पर पकेगा डेढ़ घंटे दो घंटे के लिए. इसमें हम ऐड करेंगे आलू, लेमन, इसमें जाएगा जी सिरका, इसमें आपने डालनी है बड़ा चम्मच जो है ऑयल, आधी प्याली डाल सकते हैं आप इसमें, क्योंकि गोश्त का भी थोड़ा ऑयल होएगा इसलिए मैं नॉर्मल ही डाल रही हूँ. आधी प्याली इसमें डाल रही हूँ मैं. अब इसमें जाएगी काली मिर्च. ये आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है जितना आपको चाहिए. अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हो तो आप दो चम्मच कर सकते हो इसको. हम नॉर्मल खाते हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक ही चम्मच लिया है, हाफ टी स्पून लिया मैंने. अभी इसमें मैं आधा चम्मच जो है वो नमक डालने लगी हूँ. और आटे का आपने आटा गूंद लेना है, जो आपने इनकी साइड्स पर लगाना है आटा. इस तरह आपने इसको आटा लगा देना साइडों पे. अब इसके ऊपर हम ये ढक्कन लगा देंगे अच्छी तरह और डेढ़ घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे. आप चाहें तो इसमें सुराख भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी इसमें सुराख हो जाते हैं. फ्लेम इसका मैं मीडियम टू लो कर रही हूँ. हम निकालेंगे इसको, डेढ़ घंटा हो गया हुआ है, तो हम चेक कर लेंगे. मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ इसका. अभी हम इसको खोलने लगे हैं. हमारा तैयार हो गया है ये दम पुख्त. बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, माशाल्लाह. अभी हम इसको निकालते हैं प्लेट में. ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मटन रोस्ट हमारा वो जो दम पुख्त है वो तैयार हो चुका हुआ है.
देखें और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है शफक, विलोग्स है उसका चैनल नेम, और डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका विलोग्स बहुत अच्छा है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।